हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरिहंत जैन। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जैन नॉलेज हब पर, वेयर यू कैन इन्हेंस योर नॉलेज। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना चाहिए। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बो होता है। जैसे मैं लिख दूं 2+√3, यहाँ पर देखो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, तो हम कह सकते हैं ये मेरी क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। दोस्तों, प्रत्येक परिमेय और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अगर मैं √3 लिख दूं तो ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, ये भी एक वास्तविक संख्या। अगर मैं √15 लिख दूं तो ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं। क्योंकि मैंने बोला है कि प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसलिए हर एक संख्या जो परिमेय हो या अपरिमेय हो वो क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। लेकिन कोई भी वास्तविक संख्या, सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या नहीं होंगी, परिमेय या अपरिमेय नहीं होंगी। जैसे मेरी वास्तविक संख्या √15 है, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं ना। तो हम कहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं क्या नहीं होती हैं, परिमेय या अपरिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम करते हैं √2 को कैसे निरूपित किया जाएगा लाइन पे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √2 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे एक एक सेंटीमीटर का, ठीक है। हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, एक विकर्ण बनाएंगे, इसको बोलते हैं विकर्ण। मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं 0 A B, ठीक है। देखिए ये वन है, ये वन है। अगर हम इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस परमे क्या कहती है, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। हमारी पाइथागोरस परमे क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए मेरा कर्ण कितना है, मेरे को पता नहीं है। मेरा लंब 1 है, मेरा आधार भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 1 2, तो कर्ण मेरा आ गया √2। भाई जो वर्ग होता है क्या लगा देता है, रूट लगा देता है ना। जो भी हमारा स्क्वायर होता है किसी चीज पे, वो दूसरी भी चीज पे क्या लगा देता है, रूट लगा देता है। तो यहां से मेरा √2 आ गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसको संख्या रेखा पर निरूपित करो, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम उसी बॉक्स को एक संख्या रेखा पर डाल देंगे। ये मेरा 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये संख्या रेखा है मेरी कोई भी, मैं उसी बॉक्स को इस रेखा पर क्या कर दूंगा, डाल दूंगा सेम टू सेम। मैंने उसी बॉक्स को इस रेखा पर डाल दिया। इनकी बीच की दूरी ध्यान रखिएगा, इनकी बीच की दूरी 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 0 1 के बीच में 1 की दूरी होती है, वही मेरा 1 है ही, और मेरा √2 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नंबरिंग कर देता हूँ AB, तो 0 BA, ये मेरा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको निरूपित करना है, तो क्या करूंगा, प्रकार से OA को माप के मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे चाप लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, इसको माप कर एक चाप लगा दूंगा यहाँ पे, प्रकार से माप के एक चाप लगा दें यहाँ पे। इसको मैंने पॉइंट बोल दिया P, बस ये मेरा √2 का संख्या रेखा पर निरूपण है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि √3, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √3 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको √2 का बनाना पड़ेगा। √3 का बनाने के लिए सबसे पहले आपको √2 का बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसी के अंदर इस OB लाइन के लंबवत बोलते हैं, कोई भी लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री पे, इसी लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे,
एक सेंटीमीटर की, ठीक है, और एक खींचने के बाद इसको मिला देंगे हम ओ से, किसे मिला देंगे ओ से। अब देखिए ये मेरा क्या होगा रूट थ्री, कैसे होगा देखिए, अगर मैं इसको बोल देता हूँ सी, अगर मैं ओ बी ओ सी मैं पाइथागोरस प्रमेय में लगाऊं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय में से क्या होगा मेरा ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए ओ बी कितना है मेरा रूट टू, रूट टू का स्क्वायर, मेरा बी सी है एक का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, एक का स्क्वायर वन, तो थ्री आ गया, और जो स्क्वायर होता है क्या लगा देता है रूट, तो मेरे वैल्यू आ गई यहाँ पे रूट थ्री, समझ में आया। चलिए बहुत ही सिंपल था, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा फिर वीडियो को स्टार्ट करके देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। 1.2 का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का है, जिसे पूछा गया कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखो रूट 5 को निरूपित करने के लिए सबसे पहले आपको रूट 2 का बनाना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से रूट 3 का बनाना पड़ेगा, और इससे आगे क्या करना है हम रूट 5 का बनाएंगे। देख कैसे बनाएंगे, देखिए मैं इसी क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ रूट 5 का भी, क्या करूंगा मैं रूट 5 के लिए सेम ऐसे ही इसके परपेंडिकुलर, इसके बिल्कुल लंबवत एक रेखा खींच दी मैंने, उस रेखा खींचने के बाद उस रेखा को मैंने ओ से मिला दिया, ठीक है। अब देखिए ये भी मैंने एक की खींची, जैसे मैंने हर एक की एक की खींचता रहा हूँ, यहाँ पे एक की खींची, यहाँ पे एक की खींची, यहाँ पे मैंने एक सेंटीमीटर का एक लाइन ले ली। देखिए अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इसको बोल दूंगा मैं डी पॉइंट। देखिए जो मेरा ओडी होगा, ओडी का स्क्वायर वो क्या होगा मेरा होगा ओसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, ठीक है। मेरा ओसी कितना है रूट थ्री, मेरा सीडी कितना है एक, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और वन का स्क्वायर वन, कितना आ गया मेरे यहां से फोर आ गया, और जो स्क्वायर होता है क्या लगा देता है रूट, तो रूट फोर हो गया ओडी बराबर, और रूट फोर को कर सकता हूं मैं टू इंटू टू रूट के अंदर, और बाहर क्या आ जाएगा टू, ठीक है। तो मेरी ये वैल्यू आ गई टू, ये मेरी वैल्यू क्या आ गई टू, इसको यहां से म्यूट कर देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे मेरी वैल्यू आ गई है टू, लेकिन मुझे तो रूट फाइव चाहिए था। अब क्या करूंगा मैं दोबारा फिर एक लाइन लूंगा ऐसी, जब तक रूट फाइव नहीं आएगा तब तक मैं मानूंगा नहीं, ठीक है। चलिए देखिए मैंने दोबारा फिर एक सेंटीमीटर लिया और फिर इसको फिर इससे मिला दिया। अब देखिए अब मेरा जो बन गया इसको मैंने ई पॉइंट बोल दिया, क्या बोल दिया ई पॉइंट। अब देखिए दोबारा फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहां पे लगाइए ओ ई का स्क्वायर बराबर क्या होगा ई डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ओ डी कितना है मेरा, मेरा ओ डी है आपका टू का स्क्वायर, और मेरा डी ई है एक का स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर एक, टू का फोर, तो आ गया मेरा फाइव, और जो स्क्वायर होता है क्या लगा देता है आपका वर्ग, तो मेरा ओ ई बराबर आ गया रूट फाइव, ठीक है, मेरा ओ ई की वैल्यू आ गई रूट फाइव, बस हो गया। अब क्या करना है देखिए, मैंने टू को जैसे मिला था इस पे, ऐसे ही मैं थ्री को मिलाऊंगा इस लाइन पे, ऐसे ही मैं इस वाले टू को मिलाऊंगा इस लाइन पे, ऐसे ही मापना है ओ बी को माप के यहां पे चाप लगाया, ओ सी को माप के फिर यहां से चाप लगाया, फिर मैंने ओ डी को मापा यहां से चाप लगाया, फिर मैंने ओ ई को मापा और फिर ओ ई को माप के भी मैंने यहां से क्या कर दिया एक चाप लगा दिया, जो लगभग यहां पे आके मिलेगा, ठीक है, लगभग यहां पे आके मिल जाएगा। मैंने इनको पॉइंट दे दिया, इसको पी दे दिया, इसको आर दे दिया, ये क्यों दे दिया, इसको बोल दिया आर, इसको बोल दिया मैंने एस, ये पॉइंट दे दिया जहां पे मेरे रूट फाइव रूट टू या टू आके मिले हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री भी कंप्लीट होता है हमारी 1.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, तर्क सहित उत्तर दो। देखिए आपको दिया है पहला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो वास्तविक हो चाहे वो अपरिमेय हो, सॉरी चाहे वो अपरिमेय हो या वो परिमेय हो, वो क्या होगी हमेशा वास्तविक संख्या होगी। तो इसका आंसर हो गया हमारा पहले का हो गया सत्य, यहाँ पे लिखेंगे सत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय वो परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तर्क पूछा, तर्क पूछा है ना, तो तर्क के लिए लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि
सभी, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। तो यहां पे आपका तर्क हो गया, आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू इसका सेकंड पार्ट है। एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर रूट एम के रूप में होती है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। इसने बोला कि कोई भी संख्या रेखा पर जो बिंदु होता है वो रूट एम के रूप में होता है। देखते हैं, देखिए हमारी संख्या रेखा है, क्या इसमें कोई भी बिंदु रूट एम के रूप में है? नहीं ना। क्या टू के ऊपर रूट लिखा है? क्या थ्री के ऊपर लिखा है? क्या फोर के ऊपर लिखा है? नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर होगा असत्य। लेकिन संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु रूट एम के रूप में नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थ्री पार्ट है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने आपको मना किया था ना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होती है, लेकिन कभी भी वास्तविक संख्या ना तो परिमेय होती ना ही अपरिमेय होती। तो इसका आंसर आएगा नहीं, असत्य। क्या आएगा? असत्य। यहां पे लिख देंगे आप नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक, जैसे कि आपको एग्जाम्पल से लिख देता हूं। देखिए जैसे थ्री है, थ्री एक वास्तविक संख्या है, थ्री एक वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है? नहीं ना। तो लिखेंगे इसलिए थ्री वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? ये कहता है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं? देखिए हमारे पूर्णांक हैं ये, ठीक है। अगर मैं किसी भी संख्या का वर्गमूल ले लूं, जैसे मैं रूट फोर का ले लूं वर्गमूल, तो रूट फोर को लिख सकता हूं मैं टू इंटू टू, बाहर क्या आ जाएगा? टू। भाई रूट के अंदर जो चीजें एक जैसी होती हैं दोनों, उनमें से एक चीज बाहर आ जाती है, तो मेरा टू आ गया। तो क्या टू एक अपरिमेय संख्या है? नहीं ना। तो लिखेंगे नहीं, टू एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसने ये पूछा था, इसने कहा था कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, सभी पूर्णांकों के नहीं होते। यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय संख्या हो। देखिए हमने उदाहरण दे दिया, रूट चार क्या है? एक। रूट चार का आ गया भार टू, तो टू क्या है? एक परिमेय संख्या है। टू क्या है? एक परिमेय संख्या। तो यहां पे लिखेंगे नहीं, आंसर मेरा नहीं हो गया, वो मेरा एग्जाम्पल हो गया ये वाला, ठीक है। चलिए यहां पे मेरी पहली चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज खत्म होती है, तथा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जो भी हमारी आने वाली आगे वाली वीडियो होंगी वो हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे, तथा आप जो भी आपके दोस्त होंगे आप सभी को बता दीजिएगा कि हमारे चैनल पर जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें सब आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाएगा सब डाटा, ठीक है। ओके, थैंक यू।